नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। किसान हमारे देश के अन्नदाता, जिनकी बदौलत देश की करीब 70% आबादी दो वक्त का खाना चैन से खा पाती है। वही किसान अपने फसल की बकाया राशि के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मामला पश्चिमी यूपी के सहारनपुर का है। गन्ने मूल्य के भुगतान ना होने से स्थानीय किसानों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सहारनपुर के गन्ना किसानों का हाल बेहाल है। किसानों को उनकी फसल का बकाया राशि अब तक नहीं मिला है, जिसके चलते वो सरकार से तो नाराज है ही, साथ ही निजी जीवन में भी उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैसों की कमी के चलते दिक्कतें हो रही है। सहारनपुर गन्ना विभाग किसानों को बकाया गन्ना मूल्य दिलाने में विफल साबित हो रहा है। इसके चलते जनपद के 8 में से 4 चीनी मिलों पर किसानों के करीब 203 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य बकाया है। इसमें सबसे अधिक 138.30 करोड़ रुपए गांगनौली चीनी मिल पर बकाया है। किसान परेशान है और सरकार से नाराज भी। आरोप नहीं लगा रहे, गन्ने का भुगतान हो नहीं रहा। आरोप की कौन सी बात है? गन्ने का भुगतान हो नहीं रहा, इसे आरोप नहीं कहेंगे आप? किसान का किसानों गन्ने का भुगतान मिल नहीं रहा, ये आरोप नहीं है। वो तो अपनी मांग कर रहा। हाँ, तो ऐसे कोई दिक्कत आ रही कोई? हेलो, दिक्कत क्यों नहीं है? अगर यहाँ से जो ये सहारनपुर प्रशासन है, कप्तान है, डीएम है, अगर तनख्वाह ना एक दिन में मिले चंगाड़ मारेंगे। अब इनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, सेब खाते जा रहे हैं, हमारे बच्चे का भी जी करे हम भी सेब, हमारा बच्चा भी सेब खावे, वो भी स्कूल में जा रहा तो वो भी सेब खाता हुआ जाए, लेकिन वो चला कैसे जाए? गन्ने मूल्य के भुगतान ना होने के चलते किसानों को कर्ज लेकर जीवन यापन करना पड़ रहा। सरकार बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बहुत जाकर के सबसे मिल लिए, जिलाधिकारी से भी बात हो चुकी है कि जी पेमेंट कराओ, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। अब नई फसल चल रही है, क्या नाम, गन्ने की, उसमें इतनी लागत आ रही है बीमारियों की, दवाइयों की, और बुहाई लेबर नहीं मिल रही, और किसान इतना परेशान है, कर्ज लेकर के वो अपना काम कर रहा है, और लेकिन किसान के प्रति किसी का भी कोई भी झुकाव नहीं है, ना कोई इसके विषय में सोच रहा है। सहारनपुर के स्थानीय किसानों ने इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए, साथ ही सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। 55% से ज्यादा बकाया है और गन्ने के भुगतान पे न प्रदेश सरकार और न ही केंद्रीय सरकार, दोनों ही सरकार और उनके मंत्री उनसे साठगांठ किए हुए हैं और मिल मालिकों को छूट दिए हुए हैं, वो भुगतान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी मिल मालिक को अगर 200 करोड़ रुपया कहीं मिल जाएगा फ्री फंड में, जिसको न तो किसी बैंक की सिक्योरिटी देनी है, न बैंक से कोई लोन लेना है, न उस पर इंटरेस्ट देना है, और उसको फ्री फंड का पैसा मिल गया, और उसमें बंदरबांट हमारे मंत्रियों की है, तो इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। और केंद्र सरकार कहती है कि मैं किसानों का बहुत ही हितैषी हूं, आपने खाद के रेट बढ़ा दिए, दवाइयों के रेट बढ़ा दिए, अब काश्तकार कहां से पैसा लगाए गन्ने में और अन्य फसलों में। गन्ना किसान सरकार पर किसान सम्मान निधि योजना को लेकर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सरकार किसान को ब्याज सहित पैसा दिलवा दे, क्या सम्मान निधि करेगी हमारी? हमें कोई लाभ इस सम्मान निधि का नहीं है किसान को, और जहां तक है आधे तो बैंकों से मिलती भी नहीं सम्मान निधि, वो वैसे लोन में काट ले, मेरी खुद लोन में काट ले सम्मान निधि, 2000 आवे वो लोन में जमा कर ले पहले ही, तो मिल कहां रही सम्मान निधि? और जहां तक सम्मान निधि की बात है, यू एक किसान का एक प्रोपगंडा पकड़ लिया कि इसे नीचा दिखाना, देखो हम फ्री में दे रहे इसे 2000 रुपए, तो ये नीचा दिखाने की बात है, सम्मान नहीं है यू किसान। अगर भुगतान नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से कुछ परेशानी भी हो रही है क्या? उसकी वजह से हमारे बच्चों को स्कूलों में बाहर काट दें क्लास में, हमारे पोते बच्चे, तो उन्हें बेइज्जत होना पड़ता है, फिर हम आ जाकर हाथ जोड़ेंगे, फिर ब्याज पटावेंगे, उन्हें 4 दिन मोहलत लेंगे, फिर जुर्माना भर कर उनकी फीस भरेंगे, तो यह थोड़ी परेशानी, दवाई नहीं दे पा रहे हम किसान को। वहीं किसानों के आरोप पर सहारनपुर के जिला गन्ना अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि किसानों को करोड़ों रुपए भुगतान किए जा चुके हैं और जल्द ही बची हुई राशि भी दी जाएगी। जनपद की 8 चीनी मिलों द्वारा 16 से 26 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा गया था, जिसमें से 1411 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। अभी हमारी चीनी मिलों पे 203 करोड़ रुपया लगा है, जिसमें से 4 चीनी मिलों द्वारा 100% भुगतान कर दिया गया, जबकि 4 चीनी मिलों पे कुछ अभी पेंडिंग है।
जो कुल मिला के 203 करोड़ रुपए का। ये सबसे ज्यादा बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल जो है गांगनोली, इस पे 138 करोड़ रुपया अभी लगा है। रिकवरी के लिए सब कुछ खास प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए नोटिस दी जा रही है, लगातार समीक्षा की जा रही है। सहारनपुर के जिला गन्ना अधिकारी के दावे हकीकत में कब बदलती है, इस पर सहारनपुर के तमाम गन्ना किसानों की नजर है, क्योंकि जिन किसानों की वजह से हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश बना है, उनकी मांगे तो जरूर पूरी होनी चाहिए, वो भी अति शीघ्र। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।